आइए किसान भाइयों, आज हम आपको सिंचाई की ऐसी तकनीक के बारे में बताते हैं जिससे कम पानी से भी उन्नत खेती कर निश्चित लाभ कमाया जा सकता है। इस तकनीक का नाम है टपका विधि, बूंद बूंद सिंचाई या ड्रिप इरिगेशन। बूंद बूंद सिंचाई सिंचाई की एक नवीन प्रणाली है। इसमें पौधों की आवश्यकता अनुसार पानी को पाइप में लगे ड्रिप्स की सहायता से निश्चित आयतन की मिट्टी में पौधों की जड़ों में डाला जाता है। इससे जमीन की नमी पौधों की आवश्यकता अनुसार समान रूप से बनी रहती है। इस विधि से विभिन्न फसलों की सिंचाई करके लगभग 50% पानी की बचत करके अधिक पैदावार की जा सकती है। इस विधि द्वारा आवश्यकता अनुसार ही पानी का उपयोग होता है। टपका विधि का प्रयोग करके पानी के अधिक बहाव को रोका जा सकता है, जो कई बार भूमि कटाव का कारण भी बनता है। इस विधि में पानी की स्रोत मुख्यतः कुआं या ट्यूबवेल रहते हैं। पानी के स्रोत से पानी मोटर पंप की सहायता से ड्रिप संरक्षण तक पहुंचता है। पानी खेत में जाने से पहले पाइप के माध्यम से सैंड फिल्टर तक जाता है। सैंड फिल्टर रेत या मिट्टी को पानी से अलग कर देता है। इस सिंचाई विधि में पंप को मुख्य पाइपलाइन से जोड़ दिया जाता है तथा मुख्य पाइपलाइन से लेटरल पाइपलाइन को जोड़कर पौधों की कतारों के अनुसार बिछा दिया जाता है। पाइपलाइनों में पानी का दबाव पंप के द्वारा या ऊंचाई के द्वारा बनाते हैं। इसके अतिरिक्त टपका या बूंद बूंद सिंचाई में वॉल्व, फिल्टर, फिल्टर गेज और फर्टिलाइजर टैंक भी लगे होते हैं, जिससे खाद व अन्य घुलने वाले पदार्थों की मात्रा निश्चित की जा सकती है। ड्रिप लाइन की लंबाई पौधों के बीच के अंतर पर निर्भर करती है। पाइप की लंबाई 70 से 80 मीटर रखने पर सभी छिद्रों में पानी समान रूप से निकलता है। ड्रिप सिंचाई की सहायता से आवश्यक तरल खाद, उपयुक्त रसायन व सूक्ष्म तत्व सिंचाई के समय फसल में डाले जा सकते हैं। इस विधि के माध्यम से कम खाद व रसायन का प्रयोग करके अधिक व उत्तम फसल प्राप्त की जा सकती है। इस विधि का प्रयोग करके 40% तक श्रमिक व्यय को बचाया जा सकता है व पौध संरक्षण को भी सुनिश्चित किया जा सकता है।